Hey guys, good morning. स्वागत है आप सबका एक बार फिर। सबसे पहले और महत्वपूर्ण क्या है कि जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं, तो भाई सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके समक्ष कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, जिसमें से आप पहला देख रहे हैं। पहला आप क्या देख रहे हैं बच्चों? पहला आप देख रहे हैं व्हाट आर इंटरफेरॉन, what are ELNSO, what is the name of Doab area formed between Indus and Jhelum। सब बच्चे आपने देखा, what is the main point of argument of साहबानो केस का argument का main reason क्या है बच्चों? इन सब चीजों पर, इन सब क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो आइए जरा अनिकेत कुमार जी और तमाम बच्चे जितने भी जुड़े हैं, जरा समझिए क्वेश्चनों को, जो अपने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण सब सवाल हैं बच्चों, उन सबको लगातार आप सब से डिस्कस करना है। तो आइए जरा जाने कि क्या है इन क्वेश्चनों का सीक्वेंस। तो यदि हम आगे बढ़े बच्चों, तो आप में से कोई भी यदि ये बता पाए इंटरफेरॉन क्या होता है, या ELNSO क्या होता है, या द्वाब एरिया जो बनता है ठीक ये क्या होता है बच्चे, या सक्या मुनि किस चाइनीज ट्रेवलर का नाम है, या फिर साहबानो केस का आर्गुमेंट क्या है बच्चों? साहबानो केस में ही हम लोग वो जानेंगे, ट्रिपल तलाक वाला मसला सुने होंगे ना, ट्रिपल तलाक, वो हलाला वाला, ये सब कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है बच्चे, है ना। तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ट्रिपल तलाक भी डिस्कस होगा, हलाला भी डिस्कस होगा, सब डिस्कस होगा बच्चों। तो बस लाइक और शेयर करें इस सेशन को, और आगे जरा बढ़िए, और आगे बढ़कर साथ साथ जानते हैं हर क्वेश्चन का आंसर जो आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो पहला यदि बात करें इंटरफेरॉन जैसा आप देख रहे हैं, देखिए पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने में ही मजा आता है, यह आप जानते ही हैं, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई आपका थ्योरी से होता है बच्चों, फिर ऑब्जेक्टिव करिए, पहले थ्योरी तो जानिए। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, ये बच्चे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इसको? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, इसको प्रोवाइड करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये प्रोवाइड करता है, और ये वायरस के अगेंस्ट निकलता है, वायरस के अगेंस्ट रिलीज किया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरफेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, जैसा कि आपका दूसरा प्रश्न है ELNSO क्या है, क्या था क्वेश्चन बच्चों? ELNSO क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म बना भाई एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। फुल फॉर्म क्या बना बच्चे? एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। देखिए हुआ क्या, एल नीनो और ला नीना ये दोनों ही कंबाइन होकर ठीक आपका बनाता है ELNSO, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। एक आध और पॉइंट इसमें याद रखिए, ध्यान रखिए, होता क्या है दोनों एक साथ, तो आप क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता होगा अपने वातावरण पर, और ला नीना का क्या प्रभाव पड़ता होगा? दोनों मिलाकर बोल दिया ELNSO, फुल फॉर्म में बच्चे क्या, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, ठीक है। और इससे जो टेम्परेचर है और साथ साथ जो आसपास का क्लाइमेटिक एरिया है, वो सब बहुत इफेक्टेड होता है इस ELNSO से, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, आपको बताया कि जो द्वाब एरिया बनता है किसके किसके बीच बच्चों? इंडस और, है ना, इंडस और झेलम के बीच में, है ना। ध्यान रखिए भाई, जो भी द्वाब एरिया बनता है ना, उन सब का अलग अलग नाम होता है, जो भी द्वाब एरिया बनता है बच्चों, उन सब का अलग अलग नाम होता है। जैसे आप जानते हैं पंजाब में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया था पंजाब में, क्यों? क्योंकि बच्चे पंजाब जो है वो पांच नदियों से मिलकर बनी है। वो पांच नदियां कौन कौन सी है भाई? पांच नदियां JCRBS, जे फॉर झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, JCRBS मतलब झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज। अब हर नदी के पीछे देखिए, ये मान लो नदी है, ये दूसरी नदी है, दो नदी के जो बीच वाला एरिया होता है बच्चों, फर्टाइल एरिया, इसको कहते हैं द्वाब क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं द्वाब क्षेत्र। और इन्हीं द्वाब क्षेत्र में आपको क्या ध्यान रखना है, हर एक द्वाब क्षेत्र का अलग अलग नाम होता है। जैसे सतलज और ब्यास के बीच जो आपका द्वाब क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं बच्चों बिस्ट। क्या कहते हैं? बिस्ट। ऐसे ही आपका ब्यास और रावी के बीच जो द्वाब क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं बच्चों बारी। क्या कहते हैं? बारी। ऐसे ही रावी और चेनाब के बीच जो होता है बच्चे आपका द्वाब का क्षेत्र, उसको कहते हैं रचना, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? रचना। और फिर चेनाब और झेलम के बीच जो होता है, इसको कहते हैं छज। अब झेलम और इंडस,
सिंधु और झेलम के बीच जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं सिंध सागर द्वाब, जो यहाँ लिखा हुआ है सिंध सागर द्वाब। तमाम और साहबानों केस और तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले उससे पहले आपको बता दें बच्चों की जो आपके लिए यूपीपीसीएस आरओएआरओ का बैच है कितना शानदार है, आइए आपको बताएं। इसके लिए करना क्या है बच्चे, इस बैच के लिए आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है। अड्डा के स्टोर पर जाकर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, अड्डा के स्टोर पर जाकर सबसे पहले आपको आरओ यूपीएससी आरओ एआरओ है ना, यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस आरओ एआरओ देख रहे हैं आप, टारगेट यूपीपीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी बैच। अब इसको जब आप देखेंगे, इसको जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये बैच आपका 23 जून से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, अलग अलग टाइमिंग में आप देखें, 1 बजे से 2:30 बजे और 4 बजे से 5:30 बजे तक की टाइमिंग है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, 6999, लेकिन नहीं, व्यू ऑफर पर जाएंगे दोस्तों। व्यू ऑफर पर जाकर क्या करेंगे, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपने डाला, ईमेल आईडी डालने के बाद फिर अलग अलग जो आपका कूपन कोड है, जो अभी आपने देखा, क्या देखा आपने, Y260 कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, Y260 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो यही आपका बच्चे क्या आ जाता है, 1609 में अवेलेबल हो जाता है। 1609 में ये आपका बैच अवेलेबल हो जाता है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों आप यदि ओवरऑल यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यूपी का महापैक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यूपी का महापैक, यूपी के महापैक में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं ये जरा पहले देख लें आप, क्या क्या चीजें मिल रही है भाई। तो ये मिल रही है आपको यूपी पीसीएस प्री और पेपर वन पेपर टू मिल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री, ठीक है, यूपी एसआई यूपी ट्रिपल एसएससी पैट यूपी एसआई, ठीक है। इसके साथ साथ आपका सारा आरओ एआरओ, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारा यूपी यूपीएससी आरओ एआरओ पेपर वन पेपर टू प्री वाला भी, मेंस वाला भी, लेखपाल का भी है बच्चों। लेखपाल के साथ साथ आप देखेंगे तो वीडियो का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, ये सब, ठीक, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, यूपी के जितने भी एग्जाम है बच्चे, यूपी के जितने भी एग्जाम है वो सब आपको इसमें मिलता है, सब का सब आपको मिलता है। और करना क्या है इसके लिए भी भाई, व्यू ऑफर पर जाएंगे आप, व्यू ऑफर पर जाकर आपको क्या करना है, व्यू ऑफर पर जाकर वही आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे हमने बताया अभी कि आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे आप, कि अलग अलग कूपन कोड है तो कूपन में आप क्या लगाएंगे, Y260। जब आप इस कूपन कोड को लगाते हैं Y260, तो यही बैच ओवरऑल यूपी का, सारा यूपी का महापैक जो है 2759 रुपए का आपको अवेलेबल हो जाता है। क्या क्या चीजें, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मेंस का भी आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, फिर यूपी पीसीएस मेंस हिंदी है, यूपी पीसीएस मॉक इंटरव्यू है बच्चों, यूपी ट्रिपल एसएससी पैट है, यूपी एसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यूपी टैट सुपर टैट आरओ एआरओ सब का, लेखपाल वीडियो सब है। तो भाई यूपी का महापैक और भी सुपर है, यदि आपको यूपी का महापैक, ठीक है, 12 मंथ की वैलिडिटी है बच्चे इसकी, ठीक है। चलिए अब साथ साथ आपको बताई दिया कि कितने का अवेलेबल है, अब आइए, अच्छा, साथ साथ आपने ये भी देखा कि कोड क्या यूज करना है, आपको कोड Y260 कोड को यूज करेंगे, ठीक। तो 3 क्वेश्चन आपने अभी डिस्कस किया, अब आइए बच्चे जरा चौथा, चाइनीज ट्रेवलर जिसको सक्य मुनि कहा गया बच्चे, उन चाइनीज ट्रेवलर का नाम क्या, ह्वानसांग, आपको ध्यान रखना है। यूं तो कहें तो बच्चे सक्य मुनि, यूं कहें तो सक्य मुनि जो नाम दिया गया वो दिया गया है किसको, सक्य मुनि जो नाम दिया गया है बच्चों वो दिया गया है अशोका के रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन में बुद्धा के लिए दिया गया था। लेकिन यदि चाइनीज ट्रैवलर पूछा जाए किस चाइनीज ट्रैवलर को, तो ध्यान रखिए ह्वानसांग, ह्वानसांग, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब आता है ये साहबानो केस जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए साहबानो केस का जजमेंट जो रहा बच्चे, ठीक भाई, 1985 में जजमेंट आया, ठीक है, वो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट था ये, लेकिन सरकार ने इसको नहीं मानते हुए मतलब अपना कानून फिर चेंज किया। फिर बच्चे क्या हुआ, फाइनली 2017 में 17-18 के दौरान जब फाइनल डिसीजन आया, ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया, देखिए तलाक जो होता है मुस्लिम में 3 टाइप का होता है, ये तलाक 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 सिर्फ एक ही है, ठीक है, आप उसी एक को जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अलग अलग होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के तलाक होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, तलाक 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 और तलाक मिल गया, ये वाला क्या है बच्चे, पता है ये वाला लगभग बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ये वाला आया था, तलाक 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 वाला, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी किया है,
ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए, और ये गलत भी है ना भाई, जो वैसे था एक एक और तलाक का सिस्टम है जिसमें 3 महीने अलग रहें और उसके बाद फिर तलाक हो जाए, फिर एक है कि 30-30 दिन आप अलग रहेंगे, ठीक है 30-30 दिन अलग रहे फिर डिसाइड करेंगे कि तलाक लेना है कि नहीं, अच्छा तीसरा है इंस्टेंट तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक, यही गड़बड़ है और इसी को बंद करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें वैसे भी सच्चाई भी है ना, कोई ऐसा गलत भी नहीं है, ये वाला जो तलाक 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 और तलाक हो गया, क्यों? मान लो भाई कभी अचानक से खाना पीना खाते खाते अचानक से सब्जी में जो है मिर्च ज्यादा पड़ गया, हस्बैंड गुस्से में तलाक 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 तलाक, अरे भैया ऐसे यदि तलाक होने लग जाए फिर तो बड़ी दिक्कत। ठीक है, तो इन सब को बच्चे पूरे डिटेल से आपको इन बैचेस में कराया जाता है, इन बैचेस में कराया जाता है, और इसके लिए आपको क्या करना होता है, Y260 कोड का अप्लाई करिए और आइए शानदार जानदार बैच में। बच्चों चलिए अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चन UPPCSRO ARO वाले हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सभी बच्चों को, थैंक यू टू ऑल, और जुड़िए इस बैच से, और यूपी का महापैक यदि लेते तो और भी शानदार रहेगा। चलिए थैंक यू।